नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लनटॉप शो। अब इलेक्शन स्पेशल शुरू होगा, उसके बारे में बताऊंगा, पर पहले सुर्खियां। नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान इस बरस के लिए शुरू हो गया है, यानी जीके का सवाल तैयार होना शुरू हो गया है। अगले 7 दिन में कुल 6 क्षेत्रों के विजेताओं के नाम पता चलेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई नई खोजें लगातार करने वाले भारतीय नेता इस बार भी किसी लिस्ट में नहीं है। जो हैं वो कौन है? विलियम जी कैलन जूनियर, ग्रेग एल सेमेंजा और सर पीटर जे रेडक्लिफ। 2 अमेरिकन, 1 ब्रिटिश। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला है। क्या खोज की इन्होंने? इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को कोशिकाएं कैसे महसूस करती हैं और कैसे उसे अडेप्ट करती हैं। आसान भाषा में बताया कि कैसे ऑक्सीजन का लेवल कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म और शरीर की गतिविधियों पर असर डालता है। नोबेल प्राइज के ऑफिशियल अकाउंट से यह भी बताया गया कि ये खोज एनीमिया, कैंसर और दूसरी बीमारियों से लड़ने में नई रणनीति बनाने में मदद करेगी। और क्या है सुर्खियों में? नुसरत जहां हर साल की तरह इस साल दुर्गा पूजा गई, अपने पति के साथ ढोल नगाड़ों पर नृत्य किया। हर बार की तरह उलेमा सामने आए, मुफ्ती असद कासमी बोले कि पूजा हराम है। देवबंद का फतवा शरीफ की खबरें भी चली। बाकी न्यूटन अपोजिट रिएक्शन वाला लॉ बता गए हैं। हुआ ये कि बदले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार आ गए और बोले कि मुझे लगता है कि अगर कोई मुसलमान दुर्गा पंडाल में नाचता है तो कुछ भी गलत नहीं। साथ ही ये भी कहा कि भारत में जो भी मुस्लिम है उनके पूर्वज हिंदू ही थे, तो नाचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुल जमा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला इक्वेशन समझा रहे थे। दर्शक कहेंगे इतना आम है तो बता क्यों रहे हो? नहीं बताएंगे, थोड़ा सा भविष्य बता देते हैं कि अब क्या होगा और क्या होना चाहिए। अब दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कोई आएगा और कहेगा कि दारुल उलूम देवबंद से उन उलेमा का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी समझदार आदमी को विश्व हिंदू परिषद वालों को हफ्ते भर पुरानी ये खबर भी दिखा देनी चाहिए। आज उन्हें किसी पंडाल में किसी नाच से आपत्ति नहीं, लेकिन हफ्ते भर पहले उनके संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन गरबा पंडाल में मुस्लिम लड़कों के नाचने पर लव जिहाद का खतरा बता रहे थे। लल्लन टॉप की 4 टीमें महाराष्ट्र और हरियाणा के दौरे पर निकल चुकी हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ के लोग जनादेश के लिए क्या प्राथमिकताएं रखने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने रखे टीमों के नाम, और नाम वही दिए जिनसे आप परिचित हो चुके हैं। 2 टीमें महाराष्ट्र, 2 टीमें हरियाणा। महाराष्ट्र की टीमों के नाम हीरा और मोती, प्रेमचंद के कहानी के 2 बैलों की तरह। और हरियाणा की टीमें गंगा और जमुना। टीमों के नाम बता दिए, अब उनका स्थान, उनका पता बताने की बारी है। टीम हीरा महाराष्ट्र के लातूर में है, मोती महाराष्ट्र के नासिक में, गंगा हरियाणा के भिवानी में और जमुना हरियाणा के यमुनानगर में। मैं भिवानी बोलता हूँ और मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स ध्यान आते हैं। तिग्मांशु धूलिया इसी नाम से बॉक्सिंग पर फिल्म बनाने वाले थे। चलिए, ये सिनेमा की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है। टीम गंगा हरियाणा के हिसार में पहुंची तो उसकी मुलाकात हुई आदमपुर की सीट से बीजेपी की कैंडिडेट सोनाली फोगाट से। ये वही सोनाली हैं जो टिकटॉक की मशहूर स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, खबरों में हैं और अब बीजेपी की नेता हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोगों की इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है कि किसी सेलिब्रिटी को, किसी स्टार को कैसे टिकट मिलता है। क्या आपके पास किसी कोई पदाधिकारी आया है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे, मतलब प्रोसेस क्या था? नहीं नहीं, मेरे को सेलिब्रिटी समझ के टिकट नहीं दिया मुझे, तो मैंने खुद अपना प्रस्ताव रखा संगठन के सामने कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि 12 साल से काम कर रही हूँ मैं पार्टी में, तो अब मेरा अधिकार भी है टिकट मांगने का। और मेरे सब घर वाले, मेरे सब कार्यकर्ता सब कहते हैं कि ये हल्का आपका नलवा हल्का चाहता है कि आप चुनाव लड़ें, तो नलवा हल्के से मैंने टिकट मांगा था अपने हरियाणा के संगठन से, और मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें मदद करें, क्योंकि मैं भी आपकी टीम का हिस्सा बन के काम संगठन में कर ही रही हूँ, और अब मुझे सरकार में भी, मैं चाहती हूँ कि मैं MLA बन के काम करूँ। तो लोकसभा में भी मैंने मांगा था, तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सहयोग मुझे दिया, मेरा नाम पैनल में गया आगे, और लोकसभा से, हिसार लोकसभा से, और सब लोगों ने तारीफ भी की कि आप बहुत अच्छा संगठन का काम कर रही हैं, दोनों फील्ड को बहुत अच्छे से संभाले हैं। पर कुछ लोग कह देते हैं कि अरे एक्टिंग लाइन से जुड़ी है, क्या काम करेगी, ये क्या है। तो अभिनय मेरा क्षेत्र है, उसको मैं उसको भी करती रहती हूँ। जो लोग कहते हैं वो कहते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मुझे अच्छा लगता, मेरा शौक है, अभिनय मेरा शौक है। आप चैलेंज करने वाली कुलदीप बिश्नोई को, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है?
देखिए विकास की गति तेज होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, चाहे सड़कों का मामला ले लो, चाहे पानी का मामला ले लो, चाहे बिजली का मामला ले लो। बिजली जैसे हमने हर गांव में जगमग योजना के तहत काम कर रहे हैं, और पानी की समस्या इतनी सारी यहाँ पे थी, इस हिसार ज़िले की ले लीजिए, कुछ हद तक हम कामयाब हो पाए लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाए। मेरी सबसे पहली आवाज़ यही होगी इस हलके के लिए, मांग यही होगी कि इन लोगों तक हम पानी पहुँचा पाएँ। हरियाणा के अम्बाला में हमारी टीम जमुना की मुलाकात हुई कभी राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे चंद्रमोहन से, पर वो मशहूर हुए फिजा मोहम्मद और चांद की लव स्टोरी से, जिसका खौफनाक अंत हुआ क्योंकि फिजा मोहम्मद मरी हुई पाई गई। चांद मोहम्मद या फिर चंद्र मोहन, उनका परिचय पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और अब विधायकी के दावेदार कांग्रेस के टिकट पर, इन सब सवालों के जवाब ललन टॉप ने खुद उनसे पूछे। 2008 में जो चंद्रमोहन मेरे साथ बैठे हैं वो चांद मोहम्मद बन गए थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, क्योंकि फिज़ा जो कि एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थी उनके साथ इन्होंने निकाह करने का फैसला लिया था, हालांकि कुछ टाइम बाद ही इन्होंने उनसे डाइवोर्स ले लिया था। क्या वाक्य था सर, वो क्या था उस वक्त का प्रकरण? देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव षड्यंत्र होते रहते इंसान के खिलाफ जी। जो कुछ नुकसान हुआ वो मेरा और मेरे परिवार का हुआ, मैंने जनता का तो कोई नुकसान नहीं किया। जनता के नुमाइंदे होने के नाते जो डेवलपमेंट वर्क तब थे जो मैंने किए उनका कंपैरिजन अगर पिछले 5 साल से आप करो जी, जो अभी निकले हैं जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं जी, तो उनका 5 साल एक तरफ है, मेरा 5 घंटे या मैं कहूँ चलो 5 दिन लगा लो वो एक बराबर है। जब आपके पिताजी अपने बिल्कुल अंतिम दिनों में थे तो आपने उनसे वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई कुलदीप को CM बनाकर रहूँगा, क्या ये सही था? मैंने ये भी कहा था मैं BJP को चिमटे से टच भी नहीं करूँगा, मैं इसी बात पर कायम हूँ। और ये मैंने अपने पिताजी की समाधि पे जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तब मैंने कहा था कि मरते दम तक जी, जब तक SJC है छोटा भाई बेटे के बराबर होता है उसको मैं बना के रहूँगा, और मैं अपनी किसी भी बात से पीछे नहीं हटता कभी। जो मैंने कहा है, जो मैंने नहीं कहा वो नहीं कहा। चंद्रमोहन ने कहा कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनवाना था, कम से कम पिता का तो यही सपना था। कुलदीप बिश्नोई जो अब कांग्रेस के टिकट पर हैं, जो सोनाली फोगाट के चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिनके ऊपर कई संगीन भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं, सुनिए उनका जवाब। लोग जानना चाहते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं या बड़े नेता होते हैं उनके पास इतनी संपत्ति कैसे हो जाती है कि उनके यहाँ ED के छापे पड़ जाते हैं, क्या कारोबार है आपका, क्यों ऐसे? देखिए, मेरे पास कोई ED का मेरे छापा नहीं पड़ा, मेरे इनकम टैक्स की सर्च थी, वो ना ED ना CBI, इनकम टैक्स का सर्च था, और ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, क्योंकि मैं कभी भी किसी ने कराया, मतलब किसका पॉलिटिकल BJP है, पॉलिटिकल BJP ने करवाया, क्योंकि वो हर स्टेट के अंदर जो चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ जो भी कदावर नेता होते हैं उनको उस तरीके से तंग करने का प्रयास करते हैं। और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, जो कुछ मेरा है वो सब इनकम टैक्स में दिखाया हुआ है, वो इनकम टैक्स के लोगों का सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मैं एक ईमानदार और ऑनेस्ट किस्म का आदमी हूँ, जो कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहा तो काला धन मेरे पास कहाँ से आएगा। अशोक तंवर 2014 से लगातार पार्टी लीड कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या ऐसा हुआ कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ गई, क्या कहेंगे उनके? देखिए, इस पर वो कमेंट वही कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि जब वो अध्यक्ष थे तब भी कुछ लोग नाराज़ थे, जैसे हुडा साहब या, और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, और हम सब ने हमको मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इस तरह के वर्चस्व भजन लाल जी का था, मास्टर प्लेयर उनको माना जाता था हरियाणा की राजनीति का, आप लोग उस तरीके से उस लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाए, आपके विरोधी ऐसा कहते हैं? देखिए, विरोधियों का काम तो है झूठ बोलना या गुमराह करना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजन लाल जी की लेगेसी की वजह से है। मैंने मेहनत की, रथ यात्राएं की, उनके साथ रैलियां की, प्रदर्शन किए, और हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप पूछ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है तो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजन लाल जी की लेगेसी की वजह से। आपके विरोध में सोनाली फोगाट आई हैं, टिकटॉक स्टार, काफ़ी वायरल हो रहे हैं उनके वीडियोस, बड़ी चर्चा में हैं, कितनी बड़ी चुनौती लेते हैं? कुछ आज वो कोई अच्छा नेता कद का आया होता यहाँ पे तो निसंदेह चुनाव लड़ने का मजा आता, लेकिन सोनाली जी को भी समय लगेगा राजनीति और राजनेताओं को समझने में। चलिए अब हरियाणा से महाराष्ट्र चलते हैं टीम हीरा के साथ, जो लातूर में है। लातूर में हमारी टीम की मुलाकात कुछ दिलचस्प और कॉन्फिडेंस से भरी लड़कियों से हुई। इनकी फौरी कामयाबी, ये गरबा कंपटीशन जीतकर लौटी थी,
राजनीति पर, महिला सुरक्षा पर इन लड़कियों की टिप्पणी गौरतलब है। क्या जीता आपने आज? हमने आज दांडिया में फर्स्ट प्राइज जीता है। अच्छा, क्या मिला आपको फिर प्राइज? जैसे आपके शहर में पानी की बहुत समस्या है, हाँ, तो आप वहाँ काम करना चाहेंगी? हाँ, पानी की तो, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो सिर्फ इलेक्शन आने के बाद ही, सपोज इलेक्शन नज़दीक है तो ही सिर्फ पानी छोड़ते हैं लातूर में, वो बाद में वो बारिश नहीं रहता। इलेक्शन हो गए, अब अभी पिछली बारिश इलेक्शन जस्ट 10 दिन रह गए थे तो पानी आया था, लेकिन जब से इलेक्शन हुए तब से पानी बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, हाँ, सिर्फ पॉलिटिक्स ऐसा खेलते हैं, हर हर वर्क में, हर मतलब प्रत्येक गोष्ठी में तुमसे, हाँ, आप बोलिए मराठी में, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांचं असं की प्रत्येक गोष्टीमध्ये पॉलिटिक्स चालते त्यांचं, पाणी सोडण्याच्या बाबतीत असो, कोणतं सोशल वर्क करण्याचं असो, त्यांनी झाडं लावते तर तिथं फोटो घेते चक्क, मग तुम्ही ते ॲटलीस्ट झाडं तुम्ही सांभाळलं पाहिजे की नाही, नुसतं ते लावण्यापर्यंत फोटो घेतात, सांभाळायचं कोणी त्यांना? अश्विनी कह रही है कि हर चीज में नेता लोग जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, अगर कोई पेड़ भी लगाता है तो वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए करता है, उसकी बाद में भी केयर करनी चाहिए। पहले तो बताइए आपको बनना क्या? मुझे MBA बनना है, MBA सोशल वर्क भी करना है। सोशल वर्क कैसे करना? सोशल वर्क स्पेशली मुझे लेडीज के लिए करना है। आजकल सब चिंतित घर के रहते हैं कि लेडीज के लिए कोई करता नहीं है, जब देखो तब एक्चुअली जगह तो मिलती है लेडीज के लिए, पर जो एजेंट रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, लेडीज को सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेडीज को काम नहीं करना चाहिए, बॉयज ही काम करना चाहिए, ऐसा बहुत बोल रहे। तो फिर जो कर सकते हैं उनको मुझे आगे लेके जाना है। एक्चुअली मैं अप डाउन करती हूँ इतनी पर। कहाँ से? जानवल। कितनी दूर है यहाँ? 33 किलोमीटर है, जाने के लिए 1.5 घंटा और आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो रोज इतना ट्रैवल करके आप पढ़ने लातूर आते? यस, रोज डेली। कैसे? बस? बस से आती हूँ। अच्छा। बस का भी इतना प्रॉब्लम है कि टाइम पे बस ही नहीं रहती। एसटी महामंडल तो देते हैं, पर वो बीच में के जो ड्राइवर लोग रहते हैं वो टाइम पे बस लाते नहीं है, बीच में फेल हो जाती है। और मेन प्रॉब्लम है कि बारिश की वजह से हर तरफ खड्डे 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 हैं, इससे बहुत इतनी ज़्यादा परेशानी होती है हम लोगों को। जो घंटा हम 1 घंटे का रहता है, जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, खड्डे रहने के कारण एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। हमारी टीम मोती की साथी स्वाति मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में पहुंची। यहाँ पर गलियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन गली बॉय सिर्फ रैप नहीं करते, अपना हुनर काम धंधों में भी दिखाते हैं। हमने एक कारखाना देखा जहाँ बटुए बन रहे थे। आइए देखते हैं यहाँ काम का तरीका क्या है और देश की अर्थव्यवस्था मंदी की खबरों पर इन सब का क्या कहना है। 500 पीस पर आपका क्या खर्चा है और आपको क्या मिलेगा? 500 पीस पे आप समझो ना, अगर मजदूरी मुझे 50 से 60 रुपया मिलता है तो उसमें से तो मैं 40 रुपया इन लोगों को देता हूँ जो इन लोग बैठ के काम करते हैं इसका। अच्छा। उस पर 10 से 12 रुपया मेरा पूरा खर्च आता है, मटेरियल का, रूम भाड़ा, लाइट का, और वो कुछ 6-7-8 रुपया मुझे भी बचता है। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधे की हालत अभी बहुत ख़राब है, कुछ बोल ही नहीं सकते। खराब है? बहुत खराब। क्यों? अब क्यों का क्या बोले? जैसे आपको लगता होगा ना कि आप कारोबार करते हैं, आप काम, आपके पास ऑर्डर आ रहा है, क्या लगता है क्यों दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत है? अभी नहीं, कम से कम 2 साल से मार्केट की हालत बहुत खराब है। अभी दुकान वाले कुछ ऑर्डर ही नहीं देते हम लोग को, मार्केट से ऑर्डर मिलता ही नहीं है, तो वही जो तो बनाते रहते, काम होता नहीं है बराबर पहले जैसा। मान लीजिए 2019 का साल है, अब मैं आपसे 2017 या 16 का हाल पूछूं और बोलूं कि अब आप हमको थोड़ा तुलना करके बताइए कि 16-17 में बहुत ज़्यादा काम हुआ हम लोगों का, उस टाइम में अच्छा काम होता था, उसके तुलना में अभी बहुत काम खराब है। वजह कोई लगती है क्या? वजह हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले। जैसे आप पूछते होंगे कि क्यों नहीं ऑर्डर आ रहा है या क्या हो रहा है? अभी मेरे हिसाब से तो मार्केट की पूरी हालत ही ख़राब है, पूरी मार्केट की, तो जैसे उन लोगों का काम होता है वैसे हम लोग के पास भी काम कम ही आता है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। लोकतंत्र के सतरंगी रंग लगातार आपको दिखते रहेंगे, रोज रात 9 बजे टीवी पर, 23 चैनल पर, और रात 10 बजे ललन टॉप की वेबसाइट पर, ललन टॉप के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आप कहेंगे भैया ललन टॉप तुम चुनाव में नहीं जा रहे हो, हम कहेंगे जा रहे हैं, जल्द जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। शुभ रात्रि।